एक्चुअली मैं आपका थोड़ा सा और विस्तार में परिचय जानना चाह रहा था, वो और मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने क्या क्या किया है, क्या आपको जो है एक रोल मॉडल माना जा सकता है, क्या क्राइम फ्री भारत कैन यूज यू एज ए तपस्या मॉडल, एज ए मॉडल जिसने ग्राउंड पे बहुत काम किया। नहीं देखिए सर, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, नहीं तो सिंपल ही ठीक तो है। नहीं, चाहिए, नेता नहीं चाहिए। मैं आपको पूरी बता दूँ कि हाँ मैं इंजीनियर हूँ ओके और अभी जॉब पे ही हूँ, ठीक है। दैट्स अगेन, हम समाज सेवा के तौर पे ये संस्था चालू की थी, संस्था का नाम क्या है? हिंदू उत्थान परिषद। हिंदू उसमें उत्थान। टोटल हिंदू हिंदू हाँ उत्थान परिषद। ओके तो इसमें न तो हमने जाति को लेके, जैसे बहुत से लोग हैं कि अपनी अपनी जातियों का संगठन बनाते हैं, कोई किसी का बनाते हैं। मैं एक पूरे हिंदू समाज को लेके संस्था बनाई जिसमें उस संस्था में कितने लोग हिंदू हैं? संस्था में हमारे हर एक प्रदेश में लोग हैं, समथिंग नहीं, कितने लोग हैं उसमें? 1,000 के होंगे। अच्छा, यदि आपको कहेंगे कि हम आपके एक-एक जो आपने उनमें प्रतिनिधि बनाए हैं क्या? आपने उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि बनाए हैं क्या? हाँ मतलब राज्य का प्रेसिडेंट या जो भी आपने उनको दिया हो प्रभारी, वट हाँ एवर जो हाँ हाँ नॉमिनल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम दिया है उनका? वो अध्यक्ष के हिसाब से भी, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस नहीं, तरह से यदि दिया मैं है। ये कहूं कि मैं आपसे वार्तालाप जो है विस्तार में आपके राज्य प्रभारियों के साथ हम एक रिकॉर्डेड मीटिंग करें हाँ और हाँ उसमें ये खोजने की कोशिश करें कि आपका जो हिंदू उत्थान संगठन है वो हाँ क्राइम फ्री भारत की जो 18 सोच है उसमें क्या कोई भूमिका निभा सकता है, और वो भी बिना पॉलिटिक्स लाए। नहीं, तो हमारे संगठन में पॉलिटिक्स नाम की चीज नहीं है। जो नहीं, अमित देखिए, भी हाँ, मेरी बात आप समझिए, सबसे पहले कि आप पर्सनली कांग्रेसी हो सकते, भाजपाई हो सकते, सपाई हो सकते, बसपाई हो सकते, बट हमारे संगठन में आके, संगठन के बैनर को लेके आप किसी पार्टी की बात नहीं कर सकते। ये हमारे संगठन की सबसे बड़ी, और इसीलिए मैं, हमारा संगठन ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि अपने भारत में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो जातीय संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, किसी ना किसी पार्टी का पिट्ठू है। आप चिंता मत करिए, क्राइम फ्री भारत जो है ऐसा मॉडल लेके आएगा कि आप जैसे संगठन जो है वो याद रखे जाएंगे, उनका जो है वो एक बहुत ही अच्छी भूमिका निभा पाएंगे, और उसके लिए जो है हम टेक्नोलॉजी भी लाएंगे और ग्राउंड पर जो है जो सोच है उसको क्रियान्वित करने का मॉडल भी लाएंगे। ये सिर्फ जो है ना भाषण देने के लिए नहीं है। यही मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम सोच को प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, है ना? तो आप जरा थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि आपका जो संगठन है वो कब बना, कैसे बना, उसकी सोच क्या हमारा है। संगठन जैसे करीब आपने एक बात चार बता साल एक बात आपने बता दी है कि आपका हाँ संगठन जो है वो हिंदू उत्थान के लिए जनरल काम करता है, उसमें हाँ किसी कास्ट विशेष का कोई रोल नहीं है। फिर आपने दूसरी बात ये बताई कि आपको पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो अपनी पॉलिटिक्स की बात जो है ना इस संगठन इस परिषद के तहत नहीं कह सकते, ठीक है ना? नहीं बिल्कुल दे हैव टू बिहेव एज एन इंडिविजुअल एंड दे हैव टू कंट्रीब्यूट एज एन इंडिविजुअल, ये बात आपने कही, ठीक है ना? अब बिल्कुल आपने सर। क्या क्या एक्टिविटी, कब से है ये संगठन, ये बताइए आप? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं, ओके। हाँ और इसकी आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, क्या ध्येय रखे हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, आप किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, जरा इसके बारे में मुझे जवाब दीजिए।
सबसे पहले तो हमारा काम है जो निचली स्तर की हिंदू है, निचली स्तर की जिन्हें खाने को राशन नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, इस हर तरह से वो पीड़ित है, उनकी सेवा करना। नंबर दो, अपनी जो धर्म संस्कृति है उसकी रक्षा करना, क्योंकि कोई आता है कि हिंदुओं के नाम पे फिल्में बना जाता है, कोई हिंदू की मतलब मंदिरों को इस तरह से वो दिखाता है कि ये हिंदू संस्कृति के है ही नहीं। एक्चुअली मैं जो ये सब जो काम हो रहा है इसके लिए विदेश में बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रहे हैं, राइट? और वो जो है ना अलग अलग नाम से आपके जो सो कॉल्ड बिके हुए इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका यूज करके अपनी जो हाइपोथेसिस है उसके फर्जी एविडेंस क्रिएट करा के इनकी रिपोर्ट के माध्यम से वो इंटरनेशनल में भारत को, हिंदुस्तान को बदनाम करने का और उनके अपनी थ्योरी को लागू करने का एक फंडा है, जिसको कहा गया है कि डिसइंटीग्रेटिंग फोर्सेस। तो वो इंडिया की को जो है ना तोड़ने वाली शक्तियां हैं, इन शक्तियों की पहचान करने की आवश्यकता है, इन शक्तियों की जो है ना ग्राउंड पे क्या कार्रवाई हो रही है उसको देखने की आवश्यकता है, वो क्या रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो रिपोर्ट तथ्यात्मक यदि सही है और हमारी कोई कमी है तो उस कमी को हम अपने समाज में कैसे दूर करें वो देखें, और यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ को हम उजागर करें, उन्हें एक्सपोज करें और उन्हें जो है ना किसी दूसरे के एजेंडा को भारत में, भारत के लोगों के माध्यम से पूरा करने की इजाजत ना दें। अभी तक बहुत इस देश पे जो है ना अत्याचार हो चुका है, यदि हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जाएंगे, यदि हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत छोटे रहेंगे, देखिए यदि आपका जो मंजिल है यदि आप वो बहुत छोटी तय कर लेंगे तो उसी में यदि आप सफल भी होते हैं तो वहां तक पहुंच पाएंगे, राइट? यदि तो ये जरूरी है कि हम अपनी मंजिल दूर की रखें, मंजिल के लिए रास्ते बनाएं और वहां पहुंचने की कोशिश करें। यदि हम वहां नहीं भी पहुंच पाएंगे तो कम से कम हमें इस बात का फक्र तो होगा कि हमने एक ईमानदार कोशिश की, करेक्ट? तो हमें जो है, चूंकि अपन ग्राउंड में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें उन शक्तियों को भी देखना चाहिए जो न्यूज कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वो न्यूज कंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्हें जो है पैसा मिलता है। जैसे आज के देखो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्री और ये टीवी सीरियल चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनको भी पैसा मिलता है। ये इनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि हिंदू राष्ट्र का जो है अपने भारत का कल्चर को कैसे स्पॉइल करें, हर जगह कंस्पायरेसी, हर जगह वो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप अपनी बात कहें, राइट? यदि आप दूसरे के ओपिनियन को प्रभावित कर रहे हैं तो आप गलत चीज तो नहीं परोस रहे हैं, उससे जो है समाज, जो संविधान में जो जो आर्टिकल है जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है उसमें बंधन दिए गए हैं, उसमें दिया गया है कि आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि देश की इंटीग्रिटी के लिए फर्क पड़ेगा, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन प्रभावित होंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ऐसे ढेर सारे जो है बंधन है, राइट? हम लोग उन लोग नलायकों को कि जो कि देशद्रोही की बातें करते हैं, जो मक्कारी की बातें करते हैं, जो कानूनी रूप से अपराध बनता है, हम उसे ऐसे तत्वों के सामने हम बौने साबित हो रहे हैं, राइट? तो आपका संगठन जो है ना उसके एविडेंस इकट्ठा करके क्राइम फ्री भारत को दे, क्राइम फ्री भारत अपनी प्रक्रिया के तहत इंश्योर करेगा कि उनके खिलाफ केस रजिस्टर हो। यदि ओबीसी कुछ राष्ट्रद्रोह की बात कर रहा है, यदि अरुण पाठक ये कह रहा है कि किसी मंत्री का गला काट के लाओ मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूं दूंगा, तो ये एक अपराध है। इस अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार थानेदार को है, वो थानेदार संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, उसको उसको इस काम के लिए किसी की FIR क्यों चाहिए? नहीं तो फिर उससे पावर विड्रॉ किया जाए कि वो सो मोटो किसी चीज का संज्ञान नहीं ले सकता जब तक फरियादी ना हो,
हंसना और गाल फुलाना तो नहीं हो सकता। यदि आपको संज्ञान लेने का पावर है और आपको ये इंटेलिजेंस रखने का भी पावर है कि क्या हो रहा है ये आप साक्ष्य कलेक्ट करें, तो यदि मान लो किसी ने किसी को धमकी दी और वो भी ओपन प्लेटफॉर्म पे दी और वो भी जो है ना गला काटने की मारने की धमकी दी है, ऐसे फतवे जारी किए हैं, तो ये कानून में जुर्म है कि नहीं है? बिल्कुल, इसका संज्ञान लेने का थाना प्रभारी को हक है कि नहीं है? और थाना प्रभारी को हक है तो वो उस हक का और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की अदायगी क्यों नहीं कर रहा? हमें सभी लोगों के उसमें एक अकाउंटेबिलिटी लाना पड़ेगी, एक पारदर्शिता लाना पड़ेगी। यदि हम अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता नहीं ला पाएंगे तो ये देश जो है ना विखंडित हो जाएगा। अच्छा, हम राजनेताओं के ऊपर जो है ना आश्रित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 42% जो है ना उनमें से क्रिमिनल हैं, 29% ऐसे हैं जिनके विरुद्ध हत्या और रेप जैसे केसेस चल रहे हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट निवेदन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, लेकिन ये दुष्ट मोटी चमड़ी के गद्दार राजनेता कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। यदि इस देश में एक चपरासी को जो है ना सचेत होने की जरूरत है तो इस देश के कानून बनाने वालों को सचेत होने की जरूरत क्यों नहीं होना चाहिए? वाई देर शुड नॉट बी ए कमेटी टू लुक इन टू इट कि साहब ये सचरित्र है, यदि वो सचरित्र प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करता। और ये यदि जो है राजनेता इस कानून को बनाने के लिए तैयार नहीं है तो आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है ना, इस तरीके के जजमेंट क्यों नहीं दे रहा है? दे आर सुप्रीम कोर्ट इज हैविंग द पावर टू डिजाइन सिस्टम्स एंड थिंग्स टू इम्पार्ट जस्टिस। अरे जिस देश के जो है ना कानून निर्माता जो है ना क्रिमिनल्स हैं, वो जो है उस देश का कानून जो है जस्टिस को कैसे इम्पार्ट करने देगा? कितना होगा? आप ये बताइए कि 2004 से जो ब्यूरोक्रेट 30, 35 और 40 साल की जो ना सेवा दे रहा है उसे पेंशन नहीं मिलेगी और उसे चिंता पालना पड़ेगी कि हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, तो आप उसके लिए भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल रहे हैं। अदरवाइज वो सोचता है कि हमें जितनी पेंशन मिलेगी उसमें हम अपनी जिंदगी चला लेंगे, राइट? यदि हम और कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप उसको मजबूर कर रहे हो कि तुम कुछ अपने जो है ना रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए आप आपसे भ्रष्टाचार करो। क्या ये भ्रष्टाचार पैदा करने की राजनीतिक सोच नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और बाकी लोग जो है ना एक दिन भी यदि वो ऑफिस में रहेंगे तो उनको जो है ना पेंशन का अधिकार है। यदि आप किसी को कुछ भी जो है ना बढ़ाते हैं तो उसके लिए कमीशन होता है जो बहुत सारी चीजों पर विचार करता है। ये अपने जो है ना पर्क्स वगैरह जो है बिना किसी को बताए चुपचाप जो है ना कैसे पास कर लेते हैं? इसका मतलब है कि हमारी पार्लियामेंट देश के लिए अकाउंटेबल ही नहीं है। नहीं नहीं, मतलब वो अपने हित की बात सोच रहे हैं। इट इज ए पॉलिटिकोक्रेसी, इट नॉट ए डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ द पॉलिटिशियन, बाय द पॉलिटिशियन, फॉर द पॉलिटिशियन, और वो पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स है उसी तरह का तो यूज करेंगे नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका संगठन जो है ऐसे लोगों के ना पहुंचने के लिए क्या कर रहा है? अरे हिंदुओं का तो उत्थान वैसे ही हो जाएगा यदि हम जो है ना अच्छे सिस्टम को लाएंगे, तो अच्छी सोच लाएंगे तो सब कुछ सबका भला हो जाएगा। सर्वेताय सर्व सुखाय, ठीक है ना, वसुंधरा कुटुंबम, जब हम पूरे वसुंधरा को अपना कुटुंब मान लेंगे तो सभी का भला अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस सोच को जो कि हमारी सनातन सोच है उसको इम्प्लीमेंट ये दुष्ट जो है राजनेता नहीं कर सकते हैं जो खुद क्रिमिनल हैं। यदि हम सभी लोग इसी तरीके की डिबेट और चारों तरफ इसी तरीके की चीज बात करने लग जाएंगे, इनके बहरे कानों को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, और क्या कर रहे हैं? तो आपने दो चीज बता दी, पहली तो ये बताई आपने, पहले तो आपने ये बताई मुझे कि किन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, फिर आपने बताया कि जो हम में से कम जो है ना इकोनॉमिकली अर्निंग वाले लोग हैं उनकी आप मदद करते हैं, फिर और क्या करते हैं आप? तीसरा, आप मदद कैसे करते हैं पहले ये बताइए। मदद जो आपस में इकट्ठा करके पैसा उनको मदद दे रहे हैं। तो आप में और जो गवर्नमेंट की फ्रीबी बांटने में क्या फर्क है? जी आप में और जो फ्रीबी बांट के वोट कलेक्ट कर रहे हैं,
आप वोट नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, आप सिंपैथी कलेक्ट कर रहे हैं, तो आप में और उनमें क्या फर्क है? नहीं 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 नहीं, सिंपैथी अलग चीज होती है, वो वोट अलग चीज होती है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसी मदद क्यों नहीं करते हैं जिससे उसको आर्थिक क्षमता उसकी बढ़े, जिससे वो जो है ना आपके देने के बजाय अपना जो है ना स्व व्यवसाय कर सके, अपना रोजगार कर सके, अपना जो है ऐसी चीज से जुड़ सके जिससे कि वो धन कमा पाए और उसमें परचेजिंग पावर जनरेट हो। आप जो है ना उसको पैसा देके दानवीर बनना चाहते हैं, उसे पैसा देके आप उद्यमी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, उसको जो है ना आय के स्रोत क्यों विकसित नहीं करना चाहते? नहीं, उसके लिए अदरवाइज आप तो जो है ना उसको निकम्मा बना रहे हैं। वो आपका जो है ना भजन गाए के जो है ना राजेश जी आए थे, वो तो बड़े महान आदमी हैं, उन्होंने मुझे 4 दिन खाना खिलाया था। नहीं, नहीं, और वो पांचवें दिन इंतजार करेगा अगर राजेश जी आए तो मुझे खाना खिलाएं। आप उस स्टेज पे पहुंच के देखिए जिसके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा। अच्छा, करें, जिसके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है तो आप खाना देके आइए, और साथ में आपका वो सोच कहाँ है कि वो कल का खाना खुद अपने दम पे कमा पाए? हम उसको आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की कोशिश क्यों ना करें? नहीं तो आप में और सरकार में, सरकार जो है ना इस लालच से कर रही कि उसे वोट मिलेगा। आपका कोई लालच नहीं है, लेकिन अंतिम रिजल्ट तो सेम ही है ना। देखिए साहब, देखिए देखिए, मेरा ये कहना है कि देखिए देखो, राजनेता जो है वो इसलिए कर रहा है कि वो वोट कमाएगा, आप इसलिए कर रहे हो कि पुण्य कमाएगा ना। उसकी स्टेज में जो है ना ये है कि हम कैसे जो है इसको सक्षम बनाएं, और ना आपकी सोच में है। आप उसे खाना खिला के अपने नाम की तालियां बजवाना चाहते हैं कि मैंने खाना खिलाया। अरे भाई, राजेश जी का क्या कहना, राजेश जी तो भगवान है, राजेश जी तो परमात्मा है, राजेश जी तो दानवीर है। वो राजेश जी का दान जो है उसे सक्षम बनाने के लिए क्यों यूज नहीं हो रहा है? लेकिन मेरी बात आप पहले समझिए कि अगर किसी एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना है, स्वरोजगार देना है, तो उसके लिए धन की जरूरत होती है। तो मैं वही तो कह रहा हूं कि आप उसे खाना खिला दीजिए और फिर धन इकट्ठा करिए जिससे कि उसे स्वावलंबी बना पाए। उसे जो है निकम्मा मत बनाइए, उसे ऊपर की तरफ देखने वाला मत बनाइए कि जो है ना आप भगवान आएंगे मुझे खाना दे जाएंगे। हम आज के युग का जो है ना उसे कर्मठ व्यक्ति क्यों ना बनाएं, और जिसके कर्म से जो है इस देश का डेवलपमेंट भी होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। हम जो है उसको एक दयनीय वाता में, हमने इतने गरीबों को खाना खिलाया, हम भगवान क्यों बनना चाहते? नहीं नहीं नहीं, अब आप एक उदाहरण समझिए। मेरे हमसे 1 किलोमीटर दूर से एक परिवार में सबसे पहले बाप खत्म हुआ, बात समझना। बाप के बाद उसको कुछ फंड मिला, प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, तो उसे फंड मिला माँ को। उसको तो कुछ लोगों ने मिलके उसकी माँ को भी खत्म कर दिया और वो फंड लेके भाग गए। ओके, उनके उनके 3 बच्चे, ओके, ठीक है, उनके दादा दादी बुड्ढे थे, एकदम बुजुर्ग थे। अब उनके क्या स्वावलंबी आप बनाएंगे? तो हमें कह रहे हैं कि उसको कल के लिए स्वावलंबी बनाया जाए और आज के लिए सपोर्ट किया जाए, और जितना हम सपोर्ट कर रहे हैं वो डिफर्ड पेमेंट में वो बाद में समाज के लिए करे। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे वो एक था ना, कोई हमने फिल्म में था कि आप 3 लोगों को थैंक यू बोलिए, 3 लोगों के लिए आप जो है ना थैंक यू मत बोलिए, जो हमने आपके लिए किया वो 3 लोगों के लिए और करेंगे आप। तो हम जिसको सपोर्ट करें कि भैया देखो तुम्हारा हमने इतना किया है, इससे 3 लोगों को आप ऐसा और करके बताइए आप, और वो लोग जो है ना आपके संगठन के सदस्य बन जाएं, और वो जो है ना 3 लोगों को, मिनिमम 3 लोगों को ऐसा करके दिखाएं जब उनकी सामर्थ्य पैदा हो जाए। यदि हम ऐसी पॉजिटिविटी की सोच लाएंगे तो हम इस भारत में क्रांति ला देंगे, क्योंकि अभी तो चारों तरफ जो है ना बदमाशी की सोच है, गंदे ढंग से धन कमाने की सोच है, मिलावट करने की सोच है, गधे की लीद जो है ना मसाले में मिलाने की सोच है। तो ये सोच, चाहे वो पॉलिटिकल सोच हो, चाहे वो बिजनेस की सोच हो, चाहे वो किसानों की सोच हो, चाहे वो किसी की सोच हो, कोई भी अन्नदाता नहीं है, वो सब भी अपने क्षेत्र में बहुत सारी नेगेटिव चीजें कर रहे हैं। तो क्या हम अपने अन्नदाताओं को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं? क्या हम उनके जो है ना खर्चों को कम करके उनको जो है अमृततुल अन्न पैदा करने की सामर्थ्य पैदा करें?
क्या हम उनमें जो है ना उनको दूध हनी भी और इन सब चीजों की सामर्थ्य पैदा करने की सब करें, हम उनको सक्षम बनाने वाली बात करें, अपने नाम की जो है ना कि हम दानदाता हैं, हमने पांच लोगों को खाना खिलाया और हमारे नाम की ताली बजाइए, ये सोच हमारी नहीं होना चाहिए। नहीं गुप्ता जी, आप समझिए उस कंडीशन को समझिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप उसको चार दिन खाना खिलाने की अकेली बात क्यों कर रहे हो। नंबर वन, यदि उसको जो है ना मार के भाग गया है तो उसे लीगल जस्टिस दिलाने की बात करें। वो जस्ट आगे जाता हूँ, फिर जो है ना उसको आप उस समय तक सपोर्ट करिए जब तक कि वो स्वावलंबी ना बन जाए, राइट। और जब वो स्वावलंबी बन जाए तो ऐसा तीन लोगों के लिए, कम से कम मिनिमम तीन लोगों के लिए वो और करे, तो हम एक ऐसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बना देंगे कि आपकी संस्था को लिए के लिए के पास लंबे समय में इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे कि आप जो है ना सपोर्ट करने वाले की संख्या ज्यादा होगी, सपोर्ट लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी। बात हम आपकी पूरी तरह समझ रहे हैं। अब दूसरा केस हमारा था, मतलब वो जो व्यक्ति है, देखिए हमारा सपोर्ट चाहे एक व्यक्ति का जाए लेकिन उसको लॉजिकली उस एंड तक हम ले जाएं जिससे कि वो जो है ना कल आज का खाना खिला दिया ये अकेला ना सोचे, आज का खाना भी खिलाएंगे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे भी और उसको जो है ना धन कमाने लायक भी बनाएंगे। बिल्कुल, तो उसका हमने बच्चों का एडमिशन कराया अपने खर्चे पे। नहीं नहीं, हमारा ये कहना है कि यदि हमने फैमिली को आइडेंटिफाई किया तो हम उसे तब तक सपोर्ट करें जब तक कि वो स्वावलंबी ना बन जाए, राइट। नंबर वन, हमारी सपोर्ट जो है ना टोटल होना चाहिए, चाहे हम पांच लोगों की करें लेकिन लेट इट बी टोटल, क्लियर। अच्छा, देन जो है उससे कंडीशन ये होना चाहिए कि चूंकि उसे सपोर्ट मिला जिसके कारण वो स्वावलंबी बना, तो उसे इंटर्न जो है ना कम से कम तीन लोगों की और उसी तरीके की मदद करना पड़ेगी। दैट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ही टुडे ही दे नीड नॉट टू से थैंक यू। नंबर वन, यदि उनके साथ अन्याय किसी ने किया है, पैसे किसी ने बर्बाद कर लिए हैं, उसकी खेती को किसी ने चुरा लिया, ले लिया है, बदमाशी कर रहा है, तो हम उसे लीगल न्याय भी दिलाएं, केवल खाना ना खिलाएं। यदि हम उसको ऐसा हॉलिस्टिक सपोर्ट देंगे तो आपकी संस्था बड़ा काम कर पाएगी। तो अब एक काम करेंगे अपन, एक सेशन जो है ना रखेंगे आपके लोगों का, आप जो है मुझे अपने जो है राज्य के प्रभारियों की सूची दीजिए, उनके मोबाइल नंबर दीजिए और फिर हम आपको जो है एक जूम मीटिंग प्लान करेंगे और उस जूम मीटिंग में जो है उन आपके प्रतिनिधि रहेंगे और अपन चर्चा करेंगे और उनके विचारों को भी अपन लेने की कोशिश करेंगे। और आप जैसे जो उत्थान संस्थान है हमें कह रहे हैं के वो जो है ना हम ढेर सारे और भी क्रिएट कर सकते हैं, या आपकी ही संस्था की और ताकत बढ़ाने में क्राइम फ्री भारत क्या मदद कर सकता है, हम कोशिश करेंगे। आप मेरी बात से कुछ सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत है। तो इस मॉडल पे जो है ना फिर अपन काम करना चालू करते हैं। आप जो है जितना भी समय चाहते हैं, दो तीन चार दिन एक सप्ताह है, तो एक सूची बना के आप हमको दीजिए एंड वी विल हैव ए ओपन जूम डेलीब्रेशन, राइट, जिसमें कि आपके सभी राज्य के प्रभारी संभव होंगे और हम उन्हें एक एक करके बात करने का मौका देंगे और उसको अपन क्राइम फ्री भारत में जो है ना अपलोड करेंगे। हम उस सोच को जमीन पे कैसे फलीभूत करना है वो मॉडल लेके आए, क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल ठीक है। तो इस बात के लिए जो है मैं राजेश जी आपको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और हाँ हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास प्रभारी हर जगह की है, लेकिन ये सोच जैसी आप सोच रखते हैं ऐसी सोच सबके पास नहीं है। आप चिंता मत करिए, देखिए सोच एक एनर्जी है, यदि आप देखिए एनर्जी जो है कभी नष्ट नहीं होती, राइट। यदि हम इस एनर्जी का ग्राउंड पे संचार करेंगे तो वो किसी ना किसी तरीके से फलीभूत होकर मल्टीप्लाई होगी, और वो यदि उसको फलीभूत होने में देर लगता है तो चूंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो हर अच्छी चीज को फलीभूत होने में कुछ तो समय लगेगा, लेकिन यदि हम अपने प्रयास जारी रखेंगे तो वो जमीन पे जरूर उतरेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसा करते हैं ना कि अगले संडे को जूम मीटिंग रख लेते हैं। बिल्कुल, तो उसके पहले आपको एक सूची मुझे देना पड़ेगी जिससे कि उन लोगों को हम एक इनवाइट भेज दें और एक हम आप लोगों का एक अलग से ग्रुप भी बना देंगे
तो वो उससे जो है ना भविष्य में भी जो है ना एक वार्तालाप का भी संचार होगा और क्राइम फ्री भारत और आपका हिंदू उस्तान संगठन कैसे जो है ना एक दूसरे को री एनफोर्स कर सकता है, क्योंकि आपकी और हमारी सोच एक अच्छे भारत के निर्माण करने की है। वो इन चोर नेताओं की कभी नहीं होगी। ये चोर नेता जो है आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, फ्रीबी के नाम पे आपको निकम्मा बनाना चाहते हैं, आपको दारू बांट के, साड़ी बांट के एन के एन प्रकार वोट लेना चाहते हैं और एक क्रिमिनल्स को खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि क्रिमिनल्स की जीतने की, क्योंकि क्रिमिनल की जूते लगाने की क्षमता भी ज्यादा है, डराने की क्षमता ज्यादा है और जीतने की क्षमता ज्यादा है। तो इनमें कोई जो है ना भेदभाव नहीं है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी भी तरीके से सत्ता पे काबिज होना चाहती है। इनकी कोई सोच में राष्ट्रीयता नहीं है, कोई अच्छे भारत के निर्माण की सोच नहीं है। ये जो है भारत को विखंडित करना चाहती हैं, ये विखंडित भारत को शक्ति प्रदान करना चाहती हैं और उनको फलीभूत करना चाहती जिससे उनके वोट से सत्ता पे काबिज बने रहे। हम ऐसी सभी शक्तियों की भर्त्सना करते हैं, ऐसे सभी राजनेताओं की भर्त्सना करते हैं, हम ऐसे राजतंत्र की भर्त्सना करते हैं जो कि एक अच्छे भारत निर्माण में जो है ना बाधा बना हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी, जो इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद भी उन नियमों को नहीं बना रहा है जो इस राष्ट्र के लिए जरूरी है। यदि हमारे कानून के निर्माता स्वच्छ नहीं होंगे तो हमारी जो है ना राजनीति स्वच्छ नहीं होगी। राजनीति को एक सेवा कैसे बनाया जाए, एक अच्छे निर्माण का जो है ना साधन कैसे बनाया जाए, इस सोच को जो है ना क्राइम फ्री भारत आगे बढ़ाएगा और इसमें हम चाहते हैं कि हमें आपका जो है सपोर्ट मिले। आप और आप जैसी अन्य संस्थाओं को भी आप खोजिए, हम उसे भी क्राइम फ्री भारत का हिस्सा बनाएंगे और इस सोच को आगे ले जाएंगे और इस भारत में वो परिवर्तन अपनी दम पर लेके आएंगे जो हम सोच रहे हैं। उसके लिए हम कानून बना के कानून की एडवोकेसी करेंगे। हम प्राइवेट मेंबर्स के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि साहब इस कानून की आवश्यकता है, आप इसको एज ए प्राइवेट बिल पेश करिए। हम जो है क्रिमिनल्स कानून उसमें ना आए तो एक क्रिमिनल्स को ना आए ऐसा जो है एक पूरा बिल ड्राफ्ट करेंगे और उसको जो है ना विधानसभाओं में और उसमें पार्लियामेंट में पेश कराएं, खूब जानते हुए कि ये पास नहीं होना है। लेकिन उससे एक चर्चा तो होगी, उससे इन नेताओं के मुखौटे तो जो है वो उजागर होंगे। ये लोग जो 1,000 करोड़ रुपए इनके लड़के बच्चे कमा रहे हैं और जो कि वो जो है ना स्विस बैंक में और यहाँ रूट हो रहा है, कम से कम ऐसे राजनेता एक्सपोज तो होंगे। तो मैं आपका आह्वान करता हूँ राजेश जी, आप अच्छे इंसान हैं, कि आप इस विकल संकल्प में हमारा हिस्सा बने और हम इस भारत का भविष्य बदलेंगे। इस धारस में जो है ना धन की नदियां बहाएंगे, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करेंगे और जीडीपी को 5 गुना करेंगे। यहाँ का हर नागरिक की सोच जो है ना पॉजिटिव होगी, हर संसाधन जो है ना 24/7 काम करेगा, जहाँ का हर ह्यूमन और मटेरियल इक्विपमेंट संसाधन यदि 24 घंटे काम करेगा, उसके डेवलपमेंट को जो है 5% 7% और 8% की सीमा में नहीं बांधा जा सकेगा, वो 25% होगा, 30% होगा, 50% होगा और हो सकता है तो 100% भी हो। हम ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं और ये दुष्ट जो है चोर राजनेता ऐसे राजतंत्र से डरेंगे, क्योंकि तो वो तो ऐसा ऐसे भारत का निर्माण ही नहीं करना चाहिए। वो जो खुद जो है ना उन शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं जो कि भारत विरोधी हैं, इनसे और वो खुद क्रिमिनल हैं। वो अपने किसी एन के एन प्रकार धन कमा के, आप ये देखिए कि एक जो ना सरपंच है वो ओवरनाइट जो है ना धनी हो जा रहा है। तो आप ये जो है ना धन कहां से आ रहा है? क्या जितने भी राजनेता हैं उनका टर्म पूरा होने या बीच में भी जो है ना एक अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से उनके जो है ना धन कमाने के जो है ना हम वो नहीं कर सकते हैं क्या, साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर सकते हैं क्या? क्या हम सीएफबी का यूज करके उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं क्या? हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम संगठित नहीं है। अदरवाइज हमें जो हमारा प्रतिनिधि बनेगा वो अकाउंटेबल रहेगा, उसे वो काम करना होंगे जो कि राष्ट्रहित के होंगे, देशहित के होंगे। आप क्या इस सोच से जो है कुछ सहमति रख रहे हैं? कुछ नहीं, पूरी तरह से सहमति रखते हैं साहब। तो हम जो है हम अगले जो है रविवार को आपके प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, जूम मीटिंग, हम आपको लिंक भेजेंगे। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा समय आपको सूट करेगा। मैं एक चीज आपसे करना चाह रहा हूँ, लेना चाह रहा हूँ
आप जो है ना वहीं पे चर्चा करेंगे ना, आप खुले बल से जो हमसे चाह रहे हैं वो बोलिए, जो मैं आपसे चाह रहा हूँ वो बोले, हम ये जो है ना दो लोगों की सोच में क्यों रखें, आपके सभी प्रतिनिधियों को उसमें हिस्सा लेना देते, वो ज्यादा जो है ना ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होगा। नहीं 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 उसकी आप तो पहले और टाइम तो वही होगा, लेकिन आपकी सहमति जरूरी है ना। तो आप टाइम बताइए ना, अगले संडे को कितने बजे रखते हैं उसको? अगले संडे को देखो हम सबसे बात कर ले। अरे ज्यादा बात नहीं है, जो नहीं जिसके पास नहीं समय होगा वो नहीं ज्वाइन करेगा, यदि और कोई नहीं होगा तो हम दोनों ही बात कर लेंगे। नहीं 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 सब मिलेंगे। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि किसी से कुछ मत पूछिए, आप तो अपनी सहमति बताइए, यदि उस समय जो अवेलेबल नहीं होगा वो ना ज्वाइन करे, वो अगली मीटिंग में ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि आप सबसे पंचायत करने जाएंगे तो वो पंचायत कभी रिजॉल्व नहीं होगी। बताइए आप 10 बजे का टाइम रखते हैं। ठीक है डन, तो हम संडे को 10 बजे मिल रहे हैं। जय हिंद जय भारत। और राजेश जी मैं आपकी